वट सावित्री पर्व के अवसर पर सुहागिन महिलाओं ने अपने पति के दीर्घायु के लिए व्रत कर बरगद के वृक्ष में धागा बांधकर ईश्वर से अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। सुहागिनों ने आज वट सावित्री की पूजा कर अखंड सौभाग्य की कामना की। 16 श्रृंगार में सजी सुहागिन महिलाओं ने पारंपरिक विधि विधान के साथ बरगद वृक्ष के नीचे पूजा अर्चना कर उसकी परिक्रमा की। नवविवाहित महिलाओं में इस पर्व को लेकर उत्साह देखते बना। सोमवती अमावस्या और शनि जयंती के विशेष संयोग में वट सावित्री पूजन के लिए सुबह से ही बरगद पेड़ के नीचे सुहागिन महिलाएं परिजनों के साथ जुटने लगी। नवविवाहित महिलाओं में व्रत को लेकर खासा उत्साह दिखा। व्रती महिलाओं ने उपवास रखकर विधि विधान पूर्वक बरगद वृक्ष का पूजन किया। अपने पतियों के दीर्घायु के लिए महिलाओं ने कच्चे सूत से बरगद के तने को लपेटकर 108 बार परिक्रमा लगाई। इसके बाद हलवा पूड़ी आटे के बने चूरन फल मिठाई चढ़ाकर सुहागिनों ने पूजन कर पति की लंबी उम्र की कामना की। सावित्री का ये सौभाग्यशाली स्त्रियों ना अपने पति के लंबी उम्र के लिए कामना करने के लिए ये वट सावित्री का उपवास रखते हैं। इसमें पति के साथ साथ घर परिवार के सुख शांति समृद्धि संपदा सभी बनी रहे, इसके लिए इसमें वट सावित्री के वृक्ष के नीचे बैठकर वटेश्वर महादेव महाराज का पूजन किया जाता है। क्या क्या नियम होते हैं इसमें? नियम होता है जो व्रत के बेनी रहते हैं उसको बनाया जाता है, और मोंगरे का फूल रहता है, गेंदे का फूल रहता है, और कलश रखा जाता है, महादेव का शिवलिंग बनाया कर उसका अभिषेक किया जाता है। ये गोल घूमने के जो परिक्रमा करने की प्रकृति है वह हर युग में हम सत्यवान की तरह, जिस तरह से सावित्री ने सत्यवान की प्राणों की रक्षा के लिए यमराज तक की पहुंची है, इसी तरह हम भी सौभाग्यशाली स्त्री अपने पति के प्राणों के लिए यह वृक्ष के परिक्रमा करके हम यमराज से अपने पति की दीर्घायु एवं अकाल मृत्यु से अपने पति को यमराज तक से लेकर आए, यह सौभाग्यशाली स्त्री इस कामना के लिए इस व्रत को किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि सावित्री ने वटवृक्ष के नीचे ही पति का शव रख पूजन कर उनके प्राणों को यमराज से वापस पाया था। इसी मान्यता के साथ वट सावित्री पूजन किया जाता है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।